उसको सेंड करने के लिए बोला गया। तो देखो ये आपको सारा क्वेश्चन आंसर बता दिया गया, और एक चीज नोट कर लो, और वो आप जो मोबाइल से कर रहा है व्हाट्सएप कर दोगे 7900, नोट करो साक्षी कुमारी 7900। यस सर। सर क्या नोट करना है? नोट करो, क्या नोट करना है? मीटिंग आईडी नोट करो। सर सर मैंने लिंक भेज दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। सर सर लिंक आ गया है। है सर ग्रुप पे लिंक आ गया है। आ गया ठीक है ओके। यस सर सर लिंक आ गया। ओके तब छोड़ देना है। अब हमें पढ़ाई की बात करना है, और आपको जो है यस सर चैप्टर सिक्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया? यस सर हो गया। नो एनी प्रॉब्लम? यस सर हो गया है मेरा। यस सर हो गया। नो सर नो सर नो प्रॉब्लम। नो सर क्या दोस्तों? नो सर नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सर। अब हमें चैप्टर सेवन स्टार्ट करना है। सर वी विल स्टार्ट चैप्टर सेवन। वर्ड ऑफ लिविंग। वर्ड द वर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग स्टार्ट करना है। लिविंग द वर्ड ऑफ लिविंग। यस सर क्लियर? लिविंग यस सर। सर कैन आई रीड? चलो रीड करो। सर कैन आई रीड? साक्षी कुमारी रीड करो। सर कैन आई रीड? Sir, can I read Kritika? Yes, sir. Sir, can I read? Sir, can I read Kritika? In the primary classes, we have already learned about living and non-living things. We are already that living are those which can breathe, grow and move on their own. Non-living things do not breathe, grow or move. तो देखो यहाँ पे दो कैटेगरी में वर्ल्ड ऑफ लिविंग दो कैटेगरी में बांट दिया। जो भी प्लांट्स और एनिमल है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यस सर। ओके तो इस केस में आपको तो लिविंग थिंग क्या कर सकता है? कैन बी ग्रो एंड मूव। वो ब्रीड भी कर सकता है, प्लांट कर सकता है, ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है। वेयर द लिविंग थिंग नॉट ब्रीड ग्रो और मूव। अब अपना कॉपी खोलेंगे और कुछ चार्ट दिया हुआ है, चार्ट को आपको फॉलो करना है। ठीक है सर? बनाना है सर? Yes. सर अभी कॉपी में बनाएंगे। यस कॉपी में बनाएंगे। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को कैटेगरी बनाना है। लिविंग थिंग हेडफोन किधर है मेरा? सर अभिनव कुमार की माइक से साउंड आ रही है। आपको म्यूट कर देते हैं। चलो नोट करो अपना, बनाओ उसको। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो कैटेगरी में उसको करना है। कर लिया? यस सर। कौन कर लिया? अर्पिता कुमारी तू कर ली? नो सर, सर थोड़ा बाकी है। करो
सर आई कंप्लीटेड. ओके तो पढ़ो रीडिंग दो क्या क्या की कॉपी दिखाओ और रीडिंग दो कॉपी दिखाओ. सर लिविंग कैट बेबी. यस सर दिखा रहे हैं. हाँ बोलो बोलो. यस सर. लिविंग कैट बेबी एलिफेंट काउ नॉन लिविंग चेयर पेंसिल ट्री रोज फ्लावर शूज बुक. सर ट्री नहीं होगा. सर ट्री नॉन लिविंग नहीं होगा. सर रोज प्लांट भी तो. सर रोज प्लांट भी तो लिविंग होगा. यस. नहीं नहीं होगा. नॉन लिविंग रोज फ्लावर नॉन लिविंग एंड ट्री लिविंग. ए लड़का रोज फ्लावर भी होगा और ट्री भी होगा लिविंग थिंग. यस सर रोज. तुम लोगों को जो है मेरा हो गया. ओके सर रोज फ्लावर लिविंग होगा. यस सर लिविंग होगा रोज फ्लावर. सर रोज का प्लांट्स लिविंग होगा. सर मेरा हो गया. मैं रीड करूं. सर सर मेरा हो गया. सर सर आई हैव डन. सर मेरा हो गया. सर आई हैव डन. सर मेरा हो गया. सर कैन आई रीड अर्पिता. सर मेरा सर आई हैव डन. सर मैं रीड. चलो तो ये आपको पेज नंबर 103 कंप्लीटेड. आपने देखा कि कौन सा लर्निंग थिंग है कौन लिविंग थिंग है. सिद्धार्थ गुप्ता पेज नंबर 104 पर होगे रीडिंग दोगे पेज नंबर. ओके सर ऑल लिविंग थिंग्स. यस सर पेज नंबर 104. ऑल लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. These characteristics are quite different from those of non-living things. Let us try to study characteristics in detail. Do you know virus is a microorganism which has the characteristics of living and non-living things? Characteristics of living things. Living things are made up of cells. All living things are made of cells. A cell is the basic unit of life. It is a structural functional unit of plants as well as animals. Cells are so small that we can't see them with our naked eyes. We need a microscope to see them. The number of cells in living things vary over an enormous range. Amoeba is a single or cell organism and is known as unicellular organism. Bacteria and yeast also belong to the category of unicellular organism. An organism which consists of many cells is called a multicellular organism. Human beings, cats, horses and ants are some example of multicellular organisms. चुप हो जाओ. सर पढ़ लिए. ठीक चुप हो जाओ. देखो यहाँ पे. यस सर. सर रीड इट. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स. द सेल क्या है एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट है ना. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कर सकते हैं इसको. तो जिस तरह से मकान कोई बनता है उस केस में आप ब्रिक जो रोल निभाता है ब्रिक ईंट उसी तरीके से सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल. ठीक है. इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. तो ये जो है स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल यूनिट प्लांट्स और एनिमल दोनों का है. ये स्मॉल इतनी होती है कि आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. ये इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी जो भी हाई पावर रिजोल्यूशन वाला होना चाहिए. तो यानी वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम. ठीक है. तो कहता है कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें 2000 मिलियन सेल्स
है होता है यदि, तो आप बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं और इसमें दो कैटेगरी में बांट दिया गया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिक। यूनि दैट मींस ओनली वन सेल जिस ऑर्गेनिक में होगा उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिक कहते हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिक के जो एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया और ईस्ट, वेयर एज मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिक है वो ह्यूमन बींग्स, हॉर्स, कैट, जो भी दिख रहा है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो एक न्यू बॉर्न बेबी के पास कितने नंबर ऑफ सेल्स है, तो 2000 मिलियन सेल्स है। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत है? नो सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप एक्टिविटी 1 को रीडिंग दो। एक्टिविटी 1, पील ऑफ एन ऑनियन एंड केयरफुली टेक आउट अ लीफ फ्रॉम इट, नाउ सेपरेट इट्स मेम्ब्रेन, पुट द मेम्ब्रेन ऑन नीट ग्लास स्लाइड, put a drop of safranin and put a cover slip over it, observe it under a microscope, do you observe a structure similar to the structure shown in the given diagram? Yes sir. Kya hua, kar liya activity 1 ko koi explain kar sakta hai? Aditya Raj, साक्षी कुमारी, यस सर, एक्सप्लेन करो एक्टिविटी 1 को, एक्सप्लेन करो। नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्टिविटी 1 सर। एक्टिविटी 1 एक्सप्लेन करना है और केयरफुली उसको लीफ पे लेंगे, फिर उसको सेपरेट करेंगे मेम्ब्रेन पे, फिर उसको मेम्ब्रेन पे ग्लास पे जो स्लाइड नीट ग्लास पे स्लाइड करेंगे, और फिर एक ड्रॉप लेंगे सेफ्रिन, फिर वो कवर को स्लिप ओवर यानी कि स्लिप कर देंगे। चलो साक्षी कुमारी, तुम करेंगे कि ऑब्जेक्ट। ओके सर, सर हमें ऑनियंस के पील्स लेने हैं छिलके, और सर उसे हमको केयरफुली आउट ऑफ लीफ उसको सर केयरफुली से निकालना है, फिर सर उसको सेपरेट करके सर एक मेम्ब्रेन ग्लास के नीट फिर एक ड्रॉप सेफ्रिन पे देना है कवर स्लिप, एंड सर उसको माइक्रोस्कोप से देखना है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ इस पिक्चर जैसा उसमें डायग्राम दिखेगा? और कोई एक्सप्लेन करेगा? और एनीवन बोलो, हैव यू एनी प्रॉब्लम? और कोई? ऐश्वर्या सिंह, तुम एक्सप्लेन करेगी एक्टिविटी 1 को? ऐश्वर्या सिंह, कृतिका पांडे, कृतिका पांडे सुन रही है, बोलो एक्सप्लेन इट। यस सर। ओके सर, हमें उसको एक ऑनियन लेना है और उसका एक लीफ ले लेना है, और फिर उसके छिलके को साफ ग्लास का जो स्लाइड है उस पे डाल देना है, और उस पे
एक बूंद सैफरिन का डालना है और उसको फिर से कवर कर देना है स्लिप से। उसके बाद फिर उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर डाल करके देखेंगे तो हम लोगों को ऐसा दिखेगा। उसके नीचे डाल करके देखेंगे तो हम लोगों को इस डायग्राम के जैसा ही दिखेगा इमेज। चलो आदित्य राज तुम एक्सप्लेन करो। आदित्य राज कैन आई? हाँ तो एक्सप्लेन करो ना। यस सर। सर हमें एक ऑनियन पील ऑफ एन ऑनियन लेना है और उसको केयरफुली उसका लीफ निकाल देना है। उसके बाद हम लोग को उसको सेपरेट करना है एक नेट ग्लास स्लाइड में और उसके ऊपर सफारियन एक बूंद ड्रॉप डालना है सफरियन का। फिर उसे हम लोग को ऑब्जॉर्व करने के लिए छोड़ देना। उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो इस डायग्राम की तरह दिखेगा। ठीक है तो एक्टिविटी वन में आपको सर हो गया। ओके चलो नेक्स्ट पढ़ो। लिविंग थिंग्स ग्रो पढ़ो। लिविंग थिंग्स ग्रो। सर कैन आई रीड कृतिका। Living thing grow. You must have seen a small spinning growing into a plant. Growth of a body to a child, then to an also shows the characteristics of growth in a living organism. However, animals do not grow after a particular age. Plants continue to grow throughout their life. Chalo, next. So, dekho, living thing can I read? Grow, yani hua, usme vriddhi hota hai. आप कोई कार्ड नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा कोई स्पेक्टल्स कोई वॉच जिसको आप कितनी भी साल से उसका यूज कर रहे हो तो उसमें कोई ग्रो नहीं होता है ना। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो है ना वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। जैसे सैपलिंग ग्रोइंग इनटू ए प्लांट कैसे सीड था मिट्टी के अंदर डाला फिर वो ग्रो करते करते ना देख रहा है तीन चार स्टेज में आपको वो प्लांट बन गया। ठीक है वेयर एज चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट बच्चा था न्यू बॉर्न बेबी तो धीरे धीरे वो एज बढ़ती गई और वह एडल्ट होते गया। ठीक है तो ये आपको लिविंग थिंग्स ग्रो में दिख रहा है। ओके अब हमें पढ़ना है लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर है ना। प्लांट जो है अपना भोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो बनाता है जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो वह प्लांट्स जो है अपना फूड अंदर में बनाता है। चलो जी प्रिया राज पढ़ो रीडिंग दो तो लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। प्रिया राज Living things yes, need sir. water. Sir, can I read? I read. एक आदमी को तो सुनना ना चाहिए एक ही बच्चे नहीं ना बार बार बोलेगा तू प्रिया राज सुन रही है सर, प्रीसा पाठक बोलो रीडिंग दो प्रीसा पाठक। Living things need food and water. All living things need
need food and water for growth. The mode of taking food varies from one group to living organism to another. Green plants synthesis their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis. और कोई भाव्या सर कैन आई एंड नाउ कैन आई भाव्या सर कैन आई रीड एक दो भाव्या साक्षी नो सर कैन आई रीड साक्षी नो भाव्या सुन रही हो भाव्या आर यू लिसनिंग Animals are dependent on plants for their food. Many animals eat other animals for their food. A few animals take food in liquid form, whereas majority of them take it in a solid form. Not anyone. Yes, sir, can I? Sir, Bhavya, तुमको सर आदित्य राज कैन रीड यस सर चलो दिव्यांशु बोलो दिव्यांशु रंजन यस सर Living thing need food and water. All living thing need food and water for growth. The mode of taking food varies from one group of living organisms to another. Green plant. Yes, sir. Dipyanshu, video on karo. Sir, on. नहीं है on. Sir, on है. नहीं है on. Sir, on है. सर नहीं है दिव्यांशु रंजन नहीं है वीडियो ऑन करो सर आई कैन रीड सर आई कैन जिसको बोल दिए उसको पढ़ने दो पहले दिव्यांशु रंजन पढ़ो सर ऑन हो गया कहां हो गया नहीं हुआ फिर से पढ़ो लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर सो कैन आई रीड बी ऑफ कर देंगे म्यूट कर देंगे नीड फूड एंड वाटर फॉर ग्रोथ द मोड ऑफ टेकिंग फूड वेराइज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis. Animals are dependent on plants for their food. Many animals eat other animals for their food. A few animals take food in liquid form. Majority of solid form. So, yeah. चलो ठीक है लेकिन इतना फास्ट क्यों पढ़ता है कौन ट्रेन छूटता है हो गया हाँ समझ गए चलो तो आपने की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरेशन ही प्लांट्स अपना फूड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और वो फूड उसको जरूरत है अगर नहीं बनाएगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा है ना और एनिमल जो है वो प्लांट्स हाँ तो आप भी दे रहा है आदित्य राज का नेटवर्क लो है और 3 पीपल्स इंटर द वेटिंग रूम
तो हमें आपको लिविंग थिंग्स नीड फूड एक्टिविटी टू पढ़ोगे, एक्टिविटी टू कृतिका पांडे पढ़ो, कृतिका पांडे। यस सर, यस सर। पढ़ो। टेक टू पॉट्स विद हेल्दी प्लांट, टेक टू पॉट्स विद हेल्दी प्लांट, water one of the plants regularly for a few days and keep the other pot without water. What do you observe and why? Hello? Sir, can I explain it? Chalo, sir, I explain it. Aditya Raj, bolo. Sir, can I? Are you ek ko bolne do na, Aditya Raj, bolo. Sir, hume do to पॉट्स लेना है प्लांट्स, न्यू प्लांट्स डाल के, और उस एक पॉट को हम लोग रेगुलरली फ्यू डेज तक वाटरिंग का पानी डालेंगे और दूसरे प्लांट को हम लोग पानी नहीं डालेंगे, फिर ये हम लोग क्या देखेंगे एंड व्हाई सी दैट द वाटर इज सर फर्स्ट प्लांट दैट वी हैव वाटर्ड दैट इज green and the what and the non watered plant is not green. Okay, chalo ji, to ab aapko padhna hai ye living things is part. Living things respire. Padho ji, ladka सार्थक, सार्थक सुन रहे हो? नेटवर्क गड़बड़ा गया, सार्थक दांत दिखा रहा है और सुन नहीं रहा है। सार्थक सुन रहे हो? अधिक सार्थक सुन रहे हो? ये लड़का तुम दिमाग सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है? सार्थक अब ये टाइम भी ओवर ही हो गया है आपको। मैं अर्पिता कुमारी, आर यू लिस्टिंग? सुन रहे हो तो रीडिंग दो। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स रिस्पायर। Living things yes, respire. It is an important characteristic of living things in animal, including human beings. The process of respiration takes place throughout their life. Plant also repairs. They break down their food prepared during photosynthesis with the help of oxygen that they breathe in and release energy. Like animal, plant also give out carbon dioxide in the process. Sir, done. Aur koi? Sir, aur padhu? Nahi, aap tumne padhega. Raatri.